दोस्तों आप जानना चाहते होंगे ये एक पाउंड आपो है क्या, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक पाउंड आपो कुछ और नहीं, ये आपके अंग्रेजी भाषा का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे है, पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ताकि आपको जानकारी हो जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जितने भी भेद होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, वही है एक पाउंड आपो। कैसे है, सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे छोटी ई के लिए आई लिख दिया, का के लिए सी लिख दिया, पा के लिए पी लिख दिया, और आ की मात्रा के लिए हमने यहाँ पर डबल ए कर दिया, और वा के लिए वी कर दिया। ये देखिए एकदम साफ साफ हो गया एक पाव। और नापो के लिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया और को के लिए पी लिख दिया। इसको हम एक तीर का निशान लगा देंगे ऐसे, और इसको ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि नापो को हमें इस तरीके से लेना है, पहले एन लेना है फिर पी ले लेना है, और एक पाव जो लिखा हुआ है उसको इस तरीके से लेना है, यानी पहले वी लेना है फिर ए लेना है फिर ए लेना है फिर पी लेना है फिर सी लेना है फिर आई लेना है। अब एन का मतलब नाउन, पी का मतलब प्रोनाउन, वी का मतलब वर्ब, ए का मतलब एडवर्ब, ए का मतलब एडजेक्टिव, पी का मतलब प्रीपोजिशन, सी का मतलब कंजक्शन, और आई का मतलब इंटरजेक्शन। तो देखिए साफ साफ पूरा यहाँ पे एक पाउंड आपको फार्मूले से अपने आप साफ साफ क्लियर हो गया पूरे वेद। मैं आशा करता हूं कि आपको इस तरीके के फार्मूले से आप दोबारा इस चीज को नहीं भूलेंगे। शुक्रिया दोस्तों, मेरी अगली वीडियो के लिए आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए फार्मूले आपको मिलते रहे। धन्यवाद।